कृषि संदेश न्यूज में आप सभी का स्वागत है। खबर जयपुर की उप तहसील मुंडोता क्षेत्र से है, जहां पर क्षेत्र के किसानों द्वारा अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान किसानों की मुख्य मांग है कि किसानों को मिलने वाली सब्सिडी चालू की जाए, घरेलू व कृषि कनेक्शन में बढ़ाई गई दरें वापस ली जाए, VCR के नाम की लोट बंद की जाए व किसानों की जमीन की नीलामी रोकी जाए व किसानों से DLC रेट पर ही जमीन ली जाए। देखिए सावरमल पुनिया की यह विशेष रिपोर्ट। हाँ सर, आज जो ये मीटिंग थी, ये क्या मामले की मीटिंग थी यहाँ पे? ये किसानों की कुछ समस्याएं हैं यहाँ पे। किसानों की 833 रुपए किसानों की सब्सिडी आ रही थी जो कृषि कनेक्शनों में, वो बंद हो गई, इसलिए सब किसान नाराज इस बात से। वो चाहते हैं कि हमारी सब्सिडी डायरेक्ट बिलों के अंदर जारी हो वापस। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है इसको लेकर था। दूसरा था किसानों की जमीनों की कुर्की और नीलामी आ रही है। 3 लाख रुपए के लिए किसान की 13 बीघा जमीन नीलाम की जाती है, जो 3 करोड़ की जमीन है। ये इतना बड़ा नहीं आएगी 3 लाख के लिए किसान को बर्बाद किया जाता है। मालूम है आपको कि किसान के 3 लाख के लिए किसान की पूरी जमीन नीलाम की जाती है, जबकि किसान की 1 बीघा जमीन की 20 लाख DLC रेट है यहाँ पे। तो सर ये जो अभी VCR भरने का भी कोई मामला सामने आ रहा है, VCR के अंदर VCR तो करो चोरी पकड़ो, कंपाउंड राशि बहुत जा रहे हैं, और ये सिविल लाइबिलिटीज के नाम पे 10 गुना राशि वसूल की जाती है। ये बिल्कुल गलत है, ये सिविल लाइबिलिटीज खत्म होनी चाहिए। ये इसका विरोध प्रदर्शन था। तो कई किसान बोल रहे थे, बोला रात को 10 बजे बाद में आते हैं हम लोग के यहाँ पे। बिल्कुल ये समस्या भी है कि रात को 10 बजे बाद में आते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, कोई चोरी नहीं मिलती है, और जबरदस्ती है ना जो VCR भरने की डरपा के लोगों को, और वो फोटो खींचते हैं किसान के, टेरर पैदा करते हैं किसान की। ये गलत है, इससे दिन में आना चाहिए, कौन रोकता है? नहीं तो सर ये जो रात को आ रहे हैं उनमें कई जगह ऐसे भी हो रहा है भाई, उनकी जगह चोर भी ऐसे आ सकते हैं। बिल्कुल चोर आ सकते हैं, किसान बोल रहे थे थोड़ी देर पहले। चोर इनकी जगह चोर भी आते हैं, ये भी आएंगे। इनके साथ कोई हादसा हो गया तो किसान के साथ फिर वही उद्योग हो जाएगी। किसान ये तो बिजली वाले चोरी पकड़, रात को कोई चोरी पकड़ने आता है क्या? बेकार की बात है, इन लोगों को बंद करनी चाहिए, ऊपर से निर्देश मिलनी चाहिए, किसानों को इस तरह से परेशान न करें, वरना और बड़ा आंदोलन होगा। हम 5 तारीख को जालसू के अंदर इसी बात को लेकर के बहुत बड़ी सभा करने वाले हैं। इसका सब लोग हम SDO कलेक्टर को ज्ञापन देंगे, उनके सबको बुलाएंगे। तो सर आज जो ये ज्ञापन दिया, आप किनको ज्ञापन देने जा रहे हो? अभी तो हमें मुख्यमंत्री का नाम ज्ञापन दिया है, तहसीलदार को मुख्यमंत्री का नाम ज्ञापन दिया, उद्देश्य ही नहीं है। हाँ सर, जो ये 5-7 दिन पहले जो जलोई का मामला चल रहा था, महस्वास के अंदर कोई मिट्टी का मामला, वो क्या मामला था? महस्वास ग्राम पंचायत में जलोई गांव है, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े टीके मिट्टी के थे, उनको 8 महीने से ये मिट्टी के जो है ना ये खोर, ये बाजार बेचने वाले मुफ्त खोर, इन लोगों ने बेच दिया। कोई देखने वाला था, GD के नाम खरीदारी है, गैर मुमकिन नदी किस्म है, उसमें से ये लोग ले जा करके और 2 करोड़ रुपए कम से कम जमीन को बाजार में बेचिए। कोई देखने नहीं वाला नहीं है, 12 नंबर जोन है हमारा ये GD का, लेकिन इसके अंदर किसी ने भी आकर के आज तक उनका ये नहीं पूछा कि मिट्टी कहाँ गई। जब हमने एजिटेशन किया तब ये बंद हुआ है, वो लोग चले गए डर के, लेकिन प्रशासन ने GD ने कोई कार्रवाई की नहीं। मेरी बात GD सर, वो तो पर्चे की जमीन बता रहे थे, बिल्कुल गलत है, वो झूठ बोल रहे हैं। वो बड़े बड़े लोगों की फोटो दिखाते हैं, पायलट साहब और चांदना की फोटो अपने साथ दिखा करके इन बड़े लोगों को बदनाम करने की और कोशिश करनी चाहिए। अगर मेरी बात इन लोगों तक पहुंचे तो उनको मालूम होना चाहिए कि ऐसे लोगों पे रोक लगाई जाए, ऐसे लोगों को मुनी लगाया जाए, और ये जनता की जमीन है, जनता की जो संपत्ति है उसको खुद करने के अंदर इन लोगों का साथ नहीं होना चाहिए कोई। ठीक, शमशान भूमि कल की बात है, शमशान भूमि है, वहाँ पे एक बड़े डॉक्टर साहब है, वहाँ पे कोई जयपुर के रहने वाले पाटिलगानी के, तो उनकी जमीन है, तो उन्होंने डंडा पंचायत का है, डंडा मैंने तोड़वाया है कुछ नहीं, कि इसको दाह संस्कार SC का मामला था, इसका दाह संस्कार होना चाहिए, तो डंडा तोड़वा करके अंदर लाने की कोशिश की, उनको कहा मेरे तार के जो उबाड़ ले, उन्होंने हमारे खिलाफ FIR दर्ज कराई है। तो इससे बड़ी बात क्या होगी कि जो आदमी एक मानवीय काम है, दाह संस्कार तो हो गई, पुलिस आकर के उन्होंने दाह संस्कार किया और हमारे ऊपर FIR दर्ज कर दिए, अब थाना हमारी पीछे पड़ रहा है, अभी खिलाफ FIR दर्ज हुई। तो ऐसे मामले कोई देखने वाला नहीं है, इसलिए इसको देखना चाहिए, और मैं सरकार और प्रशासन से कहना चाहूँगा कि ऐसे संवेदनशील मामलों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। सर आपका परिचय? मैं रामजीलाल यादव हूँ, अखिल भारतीय किसान सभा का जिला अध्यक्ष हूँ, और वर्तमान के अंदर में मैं महस्वास पंचायत का नव निर्वाचित सरपंच हूँ, कामरेड रामजीलाल यादव।